नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल लेके आए, वो भी नाश्ते के आइटम है, वो झटपट बनाई ही भी जाती है। रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पर हमने पनीर और चीज से बनाई हुई दोस्तों, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो चलो फिर ज्यादा बातें करेंगे नहीं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम जितना पनीर लिया हुआ है, इसी तरह से पनीर लेना है, और पनीर कभी भी फ्रेश वाला ही लेना है हमें। और यहाँ पर एक ग्रेटर ले लिया है दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। और पनीर को हमें क्या करना है, ग्रेट से कर लेना है, यानी पनीर में जो भी गुठली हो हमें चाहिए नहीं। अभी आप लोगों को पनीर में गुठली कब होती है ऐसा, जैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी ये कैसे निकल गया है ना, ऐसे हमें चाहिए नहीं दोस्तों, नहीं तो फिर हम जब वो फ्राई करेंगे ना स्टिक, तो फिर अच्छी बनेगी नहीं, खाने में टेस्ट नहीं आएगी। ऐसा आ गया तो हमें वो साइड में निकाल लेना है, और पनीर को ऐसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पनीर ग्रेट कर लिया, उसी की मेजरमेंट से हमने 100 ग्राम चीज लेना है। चीज कौन सा भी आप यूज कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने चीज भी ऐसे ग्रेटर से ग्रेट करना है। ये स्टिक जब एक बार खाओगे दोस्तों सही के, तो मुँह का स्वाद बहुत ही दुगना हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं खास करके हमारे मेरे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए खास मैं ये बनाती हूँ, उनको बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं सोची चलो इस आपके साथ ये वीडियो क्यों ना शेयर किया जाए, है ना। तो इसको भी हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं चीज को भी। अब यहाँ पे मैंने चीज और पनीर दोनों को ग्रेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एक लेंगे बॉल, और बॉल के अंदर हम डाल देते चीज और पनीर साथ में ही। एक चम्मच जीरा डाल देना है, इसके साथ ही आधी चम्मच अजवाइन डालना है। और कभी भी अजवाइन को क्या करना है, क्रश करके ही डालना है। अजवाइन क्रश करने का कारण ये कि जो फिर हम लोग स्टिक फ्राई करते हैं ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अजवाइन का, तो क्रश हमने डालना है इसी तरह से करके। अब यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली थी, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेते हैं। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा धनिया डाला है, तो इसको हमें से दरदरा पीस लेना है। हाँ दोस्तों, आपको तीखापन ज्यादा पसंद होगा तो आप मिर्ची बढ़ा भी सकते हो, हम थोड़ा कम तीखापन पसंद करने वाले, एकदम चटपटा स्वाद देने वाले हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। यहाँ पर हमने आधी चम्मच से थोड़ी कम हमें कसूरी मेथी लेना है, और कसूरी मेथी को अच्छी तरह से क्रश करके डाल देना है। अब यहाँ पे आधी चम्मच यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर लेना है। अभी यहाँ पर हमने 200 ग्राम मैदा लिया हुआ है, और मैदा को कभी भी छान के लेना है। तो यहाँ पे 200 ग्राम डाल देते हैं, और थोड़ा बचा के रखोगे डस्ट करने के लिए। यहाँ पर अब जाएगा बटर, 50 ग्राम मैंने बटर लिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप बटर खाना नहीं पसंद करते होगे तो आप कोई बात नहीं, आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ ऑयल का यूज हमें थोड़ा भी करना नहीं, ऑयल का यूज करोगे ना दोस्तों फिर हमारी जो स्टिक ना पूरी ऑयली ऑयली हो जाएगी, या बटर या घी ऐड करना है। तो अभी हम लोग डाल देते हैं बटर। अब इन सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। पहले पानी हमें डालना नहीं, पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी मैदे में सारे मसाले हमारे जाएंगे। और जब हम इसको स्टिक को फ्राई करेंगे दोस्तों, हाँ बहुत ही एकदम अंदर से सॉफ्ट लगता है, बाहर से बहुत ही करारे लगते हैं खाने में, और मुँह का स्वाद तो सही क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे हम लोग चीज़ नमक पाड़े खाते ना, वैसे इसकी टेस्ट आती है, वो उससे भी बहुत बढ़िया आती है खाने में। जब आप घर पर बनाओगे तब इसको आपको मालूम पड़ गया, सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है खाने में। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, देखो इसी तरह से अभी लेके बताया गए, परफेक्ट इसी तरह से हमें समझ में आता है। हमारा जो बटर हमने परफेक्टली मेजरमेंट के हिसाब से डाला हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें टाइट सा डो बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी डालना नहीं है, क्योंकि पनीर में भी ऑलरेडी हल्का पानी होता है ना, और चीज में भी होता है, तो इसका संभाल के हमें पानी डालना है। आप ज्यादा पानी डाल दोगे फिर डो हमारा नरम हो जाएगा, फिर जैसे चाहे वैसे रिजल्ट आएगा नहीं दोस्तों। तो पेशेंट देखे हमें ये काम करना है दोस्तों, एक बार पेशेंट करके आप काम करोगे ना ये वाला बनाने के, तो सही तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसको टाइट सा डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने टाइट सा डो बना लिया हुआ है, रिजल्ट आपके सामने। बॉल भी हमारा कितना क्लीन हो गया है, और हाथ भी हमारे इधर पूरे क्लीन हो गया। देखो अभी हम इसको क्या करें, 20 मिनट के लिए सेट करने को रख देते हैं डो को। अभी यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हम लोग डो को चेक कर लेंगे, एकदम परफेक्टली सेट हो गया है, और कितना फुल भी गया हुआ है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, और डो को अच्छी तरह से हमें चिकना कर लेना है। अभी यहाँ पे डो को अच्छी तरह से चिकना कर लेना है दोस्तों, मसल मसल के करना है। जितना आप मसल के करोगे उतनी ही हमारी स्टिक अंदर से सॉफ्ट होगी, और बाहर से करारी लगेगी खाने में। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है, और हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलो फिर डो को अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अभी यहाँ पे डो को अच्छी तरह से हमने मसल लिया हुआ है, देखो इसी तरह से। अभी इसको 2 मिनट पार्ट करेंगे हम इसी तरह से, और इसको और अच्छी तरह से मसलेंगे, गोल पेड़ा जैसा हमें करना है, और थोड़ा बड़ा ही करना है, छोटा थोड़ा भी हमें करना नहीं है। अब यहाँ पे पेड़े के जैसे मैंने कर लिया हुआ है, अभी यहाँ पे सूखा डो ले लेते हैं, और इसको थोड़ा छिड़क देते हैं डो के ऊपर, और इसको हमें अच्छी तरह से मोटा बेलना है, पतला बेलना नहीं है। जैसे हमारी भाकरी कैसी होती है वैसे इसको हमें मोटे से बेलते जाना है, एकदम रोटी के जैसे बड़ा ये करना है, छोटा पतला बेलना ही नहीं, एकदम बड़ा बेलना है। मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, देखो अभी ये, और
कभी भी सूखा डो हमें कम लगाना है, ज़्यादा लगाना नहीं, नहीं तो फिर डो पीट पीट लग जाता है, यानी आटा आटा लग जाता है इसी तरह से। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग बेल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखो कितना मोटा वाला बेला हुआ, जैसे हम लोग भाकरी बनाते हैं ना उसी टाइप से हमें बेलना है। जब इसको फ्राई करेंगे तो फूल जाते हैं। अब यहाँ पे बड़ा चाकू ले लेते हैं, पहले स्क्वेयर में कट कर लेते हैं इसी तरह से इसको। अब ये जो बचा हुआ है ना इसको वापस हम लोग बेलेंगे। ओके, तो इसको हमें ऐसे करना है। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है और हमें कमेंट करके बताना है कैसी बनी है स्टिक। आप जो नाम इसको देना चाहते हो वो देना है, मैंने ये नाम दे दिया है दोस्तों, नया नाम थोड़ा। इसको हमें ऐसे साइज इसके तरह से करना है, हमें कट करके एक बार ये खा के तो देखो दोस्तों, सही में कहते बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बच्चों लोगों को तो बहुत ही पसंद आता है इसी चीज खाने के लिए। देख रहे हो परफेक्ट। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसको हमें क्या करना है, बीच में से ऐसे कट कर लेना है। बस ये हमारी हो गई ये स्टिक। इसको और कट करेंगे इसी तरह से, देख रहे हो। तो सारी स्टिक ऐसे ही बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे सारी स्टिक हमने बेल ली है, देखो इसी तरह से। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, आपको इतनी बड़ी स्टिक नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप छोटी स्टिक भी कर सकते हो, कौन सा भी आप इसमें शेप दे सकते हो, वो अपने पे। मुझे ये बड़ा शेप अच्छा लगा इसलिए मैं ये शेप मैंने देना चाहती हूँ। अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने ऑयल चेक कर लिया, देखो ऊपर एकदम अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा भी हमें गर्म ऑयल नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्म ऑयल होगा ना दोस्तों तो जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट आएगा नहीं हमारे स्टिक में। तो पहले गर्म कर लेना है, फिर गैस की पे हमें धीमी रख लेनी। अभी एक एक स्टिक यहाँ पे डाल के इसी तरह से, और इसको धीमी आग पे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई करना है, ये बाहर से कुरकुरे लगने चाहिए, अंदर से सॉफ्ट लगने चाहिए, क्योंकि चीज़ भी डाला है, बटर डाला है, पनीर डाला है, तो स्वाद तो बढ़ना ही है ना। तो यहाँ पे हमें इसको तुरंत टच करना नहीं, ये अपने आप ऊपर आने के बाद ही हम इसको टच करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये अपने आप ऊपर आ गई है, यानी कि समझ में आता है हमारी स्टिक बहुत ही हल्की हो गई है और फूल भी कितनी गई है। और धीमी आग पे इसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करना है, धीमी आग पे करना। जितनी धीमी आग पे इसको गोल्डन फ्राई करोगे दोस्तों उतनी ही खस्ती भी लगेगी खाने में और बढ़िया भी लगेगी। और गैस के पे फास्ट कर लोगे हमें लग जाएगा, अरे ये तो हो गया, फिर अंदर से पूरा कच्चा कच्चा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में ना, इतना मेहनत किया फिर पूरी पानी में चली जाएगी। इसलिए धीमी आग पे इसको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे धीमी आंच पे 10 मिनट तक फ्राई कर लिया हुआ, यानी बीच बीच में इसको उलट पुलट ऐसे करती जा रही थी, यानी बीच में भी हम लोग कच्चा नहीं लगना चाहिए हमारी स्टिक, सारी जगह से सारी इसमें फ्राई हो जानी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं, इस बात की तो हम गारंटी देते। देखो पूरा ड्राई हो गया है, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगती है खाने में। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर सारे स्टिक हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों हमने कैसे बना दी चीज बटर स्टिक, रिजल्ट आपके सामने। आप कौन सा भी नाम इसमें दे सकते हो दोस्तों, मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख रहे हो वाव, परफेक्टली, और करारा भी कितना है, आवाज देख लेना है, और तोड़ के भी बताया गया अंदर से कितनी सॉफ्ट है और बाहर से एकदम ही करारी है दोस्तों, वाव है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट भी करते रहना। ये स्टिक चाय या नाश्ते के साथ भी खाया जाता है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।